हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज से बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आया 20 अप्रैल को, इसके लिए आज से आपका यानी 23 अप्रैल से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई हो रहा है। मतलब आपका कॉलेज का सलेक्शन हो रहा है और ये आपका चलेगा 3 मई तक। ये बातें आपको पता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफाइड कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे या नॉट क्वालिफाइड भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका जो पहला लिस्ट आने वाला है कॉलेज का, यानी जो भी आज से लेकर के जो आप कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा, इस कॉलेज का सिलेक्शन करने के बाद जो लिस्ट जो आएगा, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग किनका सिलेक्शन हो जाएगा अपने मन के मुताबिक कॉलेज में, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किनका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में उसका क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी बातों को लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछले पेपर के अपडेट में आपको बताया भी था कि क्या टॉपर्स का रैंकिंग है, क्या टॉपर्स की परसेंटेज है, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि टॉपर्स का जो परसेंट यानी टॉपर्स का क्या कंडीशन से आपको पता था। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि 86.70 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और लगभग एक सीटों पे 4 स्टूडेंट्स की दावेदारी है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो कट ऑफ का भी हम लोग जो डिसीजन लेंगे वो इसी के थ्रू लेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे 3 कैंडिडेट है जो पीछे हो जाएंगे और बस एक कैंडिडेट का एडमिशन हो पाएगा। यानी सीट एक है और इस पर एडमिशन लेने वाले 4 कैंडिडेट है। अब 4 कैंडिडेट में से कौन से कैंडिडेट का एडमिशन होगा, क्या मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, मतलब कितना तक कट ऑफ होता है तब आपका एडमिशन हो ही जाएगा। कारण है कि पास करने वाले जो विद्यार्थी उनकी संख्या ज़्यादा है, कितने हैं, 1,43,648 स्टूडेंट पास किए और 37,350 सीटें हैं, तो 1,43,648 में से कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट होगा जिनका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा, जिनका एडमिशन इजी वे में हो जाएगा, इसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज से जो स्टार्ट होने वाला आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, बात करेंगे काउंसलिंग के प्रोसेस में। कल का पेपर का अपडेट है जिसमें क्लियरली बताया गया था कि सीईटी बीएड में नामांकन के लिए काउंसलिंग कल से यानी 3 मई तक, यानी काउंसलिंग आपका आज से स्टार्ट है। ये पेपर कल का है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट है आपका, आज से स्टार्ट है काउंसलिंग। क्या बातें बताई गई है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि एलएनएमयू ने 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। सीईटी बीएड 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन काउंसलिंग की, यानी कहने का मतलब ये तो पहली बात कंफर्म हो गई कि वही स्टूडेंट्स इसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं जो क्वालिफाइड होंगे, पहली बात। तो जो भी नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कहने का मतलब तकरीबन जिनके भी 40 से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो कॉलेज का सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कारण है कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं और नॉट क्वालिफाइड वाले सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं कॉलेज का, मतलब आपका एडमिशन रद्द हो गया। यहीं से समझिए कि आपका जो आपका सिलेक्शन है या जो आपका एडमिशन लेने का सपना है वो यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे जब स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा तो वो आगे के टाइम में बात की जाएगी, मैं आपको आगे लेकर के आगे के टाइम में अगर आपको मौका मिलता है फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। बट ये कंफर्म हो गया कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग वाले प्रोसेस में, यानी कॉलेज का सिलेक्शन वही करेंगे जो क्वालिफाइड होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए बता दें आपको जो कॉलेज का सिलेक्शन करना है जिसको हम लोग काउंसलिंग का नाम देते हैं, तो कॉलेज का सिलेक्शन का जो काम है वो आपका 23 अप्रैल यानी आज से लेकर के 3 मई तक होगा और इसके वेबसाइट यानी www.biharceetbed-lnmu.in पर जाकर के लॉगिन कर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालय व संस्थानों के नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यानी आज से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है कॉलेज का। ध्यान रखना है कि सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यानी आपको क्या करना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। काउंसलिंग के लिए क्या करना है, आज से आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसके लिए, काउंसलिंग के लिए यानी सिलेक्शन के लिए करना है। साथ में ध्यान रखना है जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा तो कम से कम 3 कॉलेज देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 कॉलेज देना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और काउंसलिंग के लिए आपको अनरिजर्व के लिए यानी यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 1,000 रुपये का चार्ज रखा गया है। साथ में आपको 1,000 रुपये का चार्ज आपको अनारक्षित यानी जनरल वालों को देना है, बीसी को देना है, ईबीसी को देना है, महिला को देना है, ईडब्ल्यूएस को देना है, दिव्यांग के लिए 750 रुपये एवं एससी एसटी के लिए 500 रुपये को निर्धारित किया गया, यानी 500 रुपये का चार्ज आपको देना है।
और इसको लेकर के राज्य के जो नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर एके मेहता ने बताया है कि 9 मई को वेबसाइट पर आवंटित महाविद्यालयों व संस्थानों की सूची जारी कर दी जाएगी। कब आपका लिस्ट आएगा? 9 मई को। और 9 मई को लिस्ट आने के बाद 10 मई से एडमिशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कॉलेज में जाकर के आप पेपर वेरीफाई कराइएगा और आपका एडमिशन होगा। सवाल हमारा यहीं पे है कि जो 9 मई को लिस्ट आएगा वो कितने कट ऑफ पर बनाया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का और कितने कट ऑफ पर बनाया जाएगा प्राइवेट कॉलेज का। मतलब आपको मिनिमम कट ऑफ के बारे में आपको पता चल जाए तो आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपना सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में, तो आप जान रहे हैं कि कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, 1,43,000। आप जान रहे हैं कि कैंडिडेट पास हुए हैं 37,000 सीटों के लिए, तकरीबन 37,000 सीट में से 1,43,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं 37,000 सीटों के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सीट पे 4 स्टूडेंट्स का स्ट्राइक रेट है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात की जाए कि आउट ऑफ 120, हालांकि अगर बात की जाए, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कितना नंबर होता है आउट ऑफ 120 तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन उससे देखना ये जरूरी पहले है कि टॉपर्स का क्या था। तो टॉपर्स में नेहा बने थे टॉपर, जिनका कितना था, 99 मार्क्स था। यानी पहला कट ऑफ तो 99 से ज़्यादा जाएगा नहीं, ये बात कन्फर्म है। यानी अगर मैं रफली आइडियाज दूँ तो ये तो कन्फर्म हो गई कि 99 हाईएस्ट कट ऑफ है। और अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस देख रहे हैं, मैं आपको हर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, अगर अनरिजर्व के बारे में बात करें तो मैक्सिमम तो 90 जाएगा, 99 जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा भी कि कट ऑफ कितना गया, 99 बना है। मतलब कि कट ऑफ नहीं, टॉपर का क्या था, 99 था, और 99 तो मैक्सिमम है ही है। लेकिन अगर मैं यूआर के लिए बात करूँ तो अगर आपका मार्क्स 92 से लेकर के 99 के बीच में, तो आप समझ लीजिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होना फिक्स है। क्योंकि अभी ये तो पहला ही लिस्ट आएगा, आगे कट ऑफ कमेगा भी, बट मैं अभी बस आपको आइडियाज दे रहा हूँ तो आप समझिएगा सही तरीके से। इसके बाद ओबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके साथ में ध्यान रखना है कि जितने भी पिछड़े जातीज हैं वो सारे के बारे में, यानी जिनको रिजर्वेशन मिलता है, वो नॉर्मली एक बात का ध्यान रखेंगे कि उनका एक्सपेक्टेड वो क्या रखेंगे कि 90 के तकरीबन होगा, 90 प्लस के आसपास होगा। यानी करने का मतलब, अगर मैं इसका मैं अगर लोअर बाउंड्री के बारे में बात करूँ तो 88 प्लस से लेकर के 90 प्लस के आसपास में आपका होता है। तो समझ जाइए कि आपका सलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में 100% होगा। वहीं अगर मैं एससी एसटी वगैरह के लिए बात करूँ कि एससी एसटी के बारे में क्या कंडीशन है, तो एससी एसटी का कंडीशन है कि अगर आपका 85 प्लस होता है, 85 के तकरीबन आसपास होता है, तो आप समझ जाइए आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करूँ कि प्राइवेट कॉलेज में कितना सिलेक्शन होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए साथ में आपका जो बी सी टू वगैरह है वो भी ध्यान दीजिएगा, यू आर के ही साथ आएंगे बी सी टू वाले। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि अगर प्राइवेट कॉलेज में कितना मार्क्स है तो आपका हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यू आर और बी सी टू वालों के, तो अगर यू आर और बी सी टू वालों का 70 के आसपास रह जाए, यानी कहने का मतलब अगर मैं लोअर बाउंड्री के बारे में बात करूँ तो 65 प्लस है, तो समझ जाइएगा कि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका 70 प्लस है तो आप अपने आप को सिक्योर मानेगा कि फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि जो कुछ टॉप कॉलेज होंगे प्राइवेट में भी, उनमें थोड़ा सा कट ऑफ जाने का उम्मीद 5 नंबर और ज़्यादा रखिएगा, यानी 75 मार्क्स। यानी कहने का मतलब अगर आपका 70 के आसपास रहे तो आप समझ जाइए कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ ईबीसी, साथ में डब्ल्यूबीसी, साथ में जो कॉलेज के जो स्टाफ वगैरह वालों का जो रिजर्वेशन होता है इसको लेकर के, तो मैं इसमें नंबरिंग के बारे में बात करूँ तो तकरीबन आपका 65 प्लस होगा, यानी कि 66, 67, 68, 65 प्लस होगा, तो समझ जाइए ईबीसी और डब्ल्यूबीसी वालों का हो जाएगा। और साथ में अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो एससी एसटी वालों का अगर 60 प्लस है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ का रेंज है। हालांकि मैंने अभी आपको इसमें बताया भी कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट ये चेंजेस कब होगा, जब कुछ कॉलेज टॉप में होंगे तब। हालांकि इसको लेकर के डिटेल में कट ऑफ जारी होगा 9 मई को, तो जैसे ही 9 मई का डिटेल में कट ऑफ जारी होता है फिर मैं आपके बारे में इसको लेकर के मैं बात करूंगा। और साथ में ध्यान रखना है कि जैसे ही 9 मई को आपका सिलेक्शन जाता है किसी कॉलेज में, तो आपको उस कॉलेज को कंफर्म करने के लिए 3,000 रुपये का और चार्ज पे करना पड़ता है। एज ए कंफर्म करने के लिए 3,000 रुपये का क्या करना पड़ता है, आंशिक नामांकन शुल्क आपको जमा करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होगा वो 10 मई से लेकर के 25 मई तक होगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आज से आपका कॉलेज का सिलेक्शन चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियोज हम लोग लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोज में आपको दूंगा किस पे, कॉलेज के सिलेक्शन पे, कि कैसे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है अपने काउंसलिंग के लिए। तो ये वीडियोज मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी सारा डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते जो कट ऑफ का आइडिया था वो आप समझ चुके होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।